أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، صدق الله العظيم. तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. सो टुडे आवर थर्ड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेड मास्टर एंड हेड मिनिस्ट्रेस. सो डियर एस्पायरेंट्स, एज यू नो दैट we are discussing about 20% GK, which is most important for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So, dear aspirants, हमारा जो GK की सीरीज है उसका आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम हज जो है उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंट MCQs जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, पेपर में या फिर एग्जाम जो इंटरव्यू के हवाले से अगर हम देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हमने करने की कोशिश की है. ठीक है, तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि हमारे पास फोर कॉर्नर ऑफ काबा, यानी कि हमारे पास जो खाना काबा है जिसकी तरफ हम फेस करके नमाज अदा करते हैं, उसके जो है ना वो फोर कॉर्नर हैं. ठीक है, वो मुरब्बा नमा है और उसके फोर कॉर्नर हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉर्नर होता है आपकी उसको, आवाज नहीं आ रही क्लियर। जी क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही, रही? क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जस्ट अ मिनट. हेलो, आप बताएं, आप ठीक आ रही है? हेलो, हाँ अभी भी क्लियर नहीं है? हेलो, मैम आप बता दें, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है. अभी क्लियर है आवाज या नहीं है? हेलो, आई थिंक अब ठीक जी होगी. हेलो, आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज़ जो है ना वो बार बार कट रही है, तो आप ना बाद जी में सर अब फिर आ रही है कुछ क्लियर। चलें. जी थैंक यू. तो हम जो खाना काबा है जिसकी तरफ हम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह फेस करके नमाज अदा करते हैं, उसके फोर कॉर्नर हैं. हम उन फोर कॉर्नर के बारे में बात करते हैं. पहला जो कॉर्नर है उसको रुकने यमनी कहा जाता है. ठीक है, दूसरा जो है वो रुकने ईरानी कहलाता है, और थर्ड नंबर पे रुकने शामी कहलाता है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास रुकने अस्वद कहलाता है. ठीक है, यानी जहाँ पे हजरा अस्वद जो है ना वो लगा हुआ है, जिस कोने पे लगा हुआ है उसको रुकने अल अस्वद जो है ना वो कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ तवाफ. तवाफ की हमारे पास फाइव टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो हम वन बाई वन उनको भी देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास तवाफ कदूम आता है. ठीक है, आपसे पेपर में तो नहीं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि तवाफ जो है ना ये कितनी किस्म के होते हैं, किसने कितनी किस्म का होता है. ठीक है, तो तवाफ हमारे पास जो होता है फाइव टाइप्स होती हैं उसकी. ठीक है, तवाफ अल कदूम होता है, तवाफ अल अफदा होता है, उसके बाद तवाफ अल वादा होता है, तवाफ अल नफल होता है, तवाफ उम्रा होता है. ठीक है, जो यानी कि हज की ड्यूरेशन के अलावा जब लोग उम्रा के लिए, हाजी उम्रा के लिए जाते हैं तो उसको तवाफ उम्रा कहा जाता है. ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे जनाब हमारे पास मनासिक हज है. असल में हमारा जो मेन टॉपिक है वो मनासिक हज है, कि हमारे पास मनासिक हज जो है ना वो कौन कौन से हैं. ठीक है, और ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इहराम. ठीक है, इहराम जो है ये अनसिली दो चादरें होती हैं. ये जो होता है मेल के लिए जरूरी है, फीमेल के लिए ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो ये दो अनसिली चादरें जो होती हैं वो इहराम के लिए जरूरी होती हैं. ठीक है, जब हाजी जो है ना वो यानी कि हज अदा करना करने के लिए जाता है.
हम डियर एस्पायरेंट्स, हम मनास के हज जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले यानी कि क्या होता है, हमारे पास एहराम होता है, ठीक है। पहला जो मनासिक हज है उसको हम एहराम कहते हैं। हाजी क्या करता है, एहराम यहाँ पे बांधते हैं। ये दो अन सीधी चादरें होती हैं जिससे वो अपने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कवर अप करता है, ठीक है। तो एहराम जो है ना, वो द ड्रेस ऑफ हज इज कॉल्ड एहराम, ठीक है। यानी हज करने के लिए जो ड्रेस पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको एहराम कहा जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट टू अनसील्ड अनस्यूड शॉल, यानी कि ये अनसीली दो चादरें होती हैं। एराम मीन्स टू प्रोहिबिटेड हैबिटेड, ठीक है। एराम मीन्स किसी चीज से रोकना या मना करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एराम इज जस्ट फॉर मेल नॉट फॉर फीमेल। एहराम बांधना जो है ये मेल के लिए जरूरी है, फीमेल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। फीमेल जो है वो अबाया वगैरह जो है ना वो पहन के हज अदा कर या सॉरी फॉर दैट, आपका काफी इश्यू है, प्लीज मैनेज कीजिएगा आप। नेट का काफी, क्योंकि बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम होती है समटाइम। तो हम जी डिस्कस कर रहे थे एहराम के बारे में, एहराम को हमने पढ़ लिया। उसके बाद मीकात आ जाता है, ठीक है। मीकात इज अ प्लेस वेयर एहराम इज पुट ऑन, ठीक है। यानी कि मीकात वो जगह है जहाँ पे हाजी जो है ना वो क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं। उनको उस जगह को मीकात कहा जाता है, ठीक है। यानी कि खाना काबे की हदूद जो है उसमें एंटर होने से पहले जो है ना मीकात के मकाम पे लोग जो है क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो फाइफ हैं। पहले नंबर पे जो है ना वो जुल हुलैफा है, ठीक है। दोज हु कमिंग फ्रॉम मदीना, यानी मदीना से जो आने वाले लोग होते हैं वो जुल हुलैफा के मकाम पे जो है आते हैं और वहाँ पे फिर एहराम बांधते हैं। एहराम बांधने के बाद फिर वो हज या उमरा अदा करने के लिए जो है ना वो चले जाते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है जातुल अर्क, ठीक है। जातुल अर्क फॉर दोज वो कमिंग फ्राम इराक, यानी जो लोग इराक से आते हैं वो जातुल अर्क के मकाम पे एहराम बांधते हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जेफा, ठीक है। फॉर दोज हु कमिंग फ्राम शाम, यानी उन लोगों के लिए है ये एहराम बांधने की जगह, जो लोग कहाँ से आते हैं, शाम की तरफ से आते हैं, वो जेफा के मकाम पे आकर एहराम बांधते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो यानी कि मीका आते हैं सारे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे अल नजद या कर्ण इसको कहा जाता है, फॉर दोज हु कमिंग फ्राम कर्ण, यानी कर्ण के मकाम से, कर्ण के लोग जो है यहाँ अल नजद या कर्ण के मकाम पे एहराम बांध कर आगे जो है ना वो खाना काबा की जियारत करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यल या लम लम आता है, ठीक है। फॉर दोज वो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड यमन, ठीक है। यानी कि वो ये मीकात उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान से जाते हैं या फिर यमन से जाते हैं। वहाँ पे यलम लम एक जगह है जहाँ पे वो क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं, और एहराम बांधने के बाद फिर आगे वो खाना काबा की ज्यारत करने के लिए, हज और उम्रा अदा करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, अगर देखा जाए तो हमारे पास तलबिया आता है। हमने दो जो मनासे के हज हैं वो अदा हमने देख लिए हैं। पहला हमारे पास एहराम बांधना होता है और सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है मीकात, ठीक है। यानी कि वो जगह जहाँ से हाजी जो है हजाज इकराम एहराम बांधते हैं। हमारे पास वो फाइव हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम थर्ड जो है ना वो देखते हैं जिसको तलबिया कहा जाता है, ठीक है। तलबिया इज अ स्लोगन विच इज हाजी रिसाइट वाइल परफॉर्मिंग हज और उमरा, ठीक है। तलबिया वो कलमात होते हैं, वो स्लोगन होता है जो कि हाजी हज करने के लिए अदा करते हैं, जिस या उमरा करने के लिए अदा करते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। ये इस इन कलमात को जो है ना वो तलबिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे तवाफ आ जाता है, ठीक है। सेवन राउंड अराउंड काबा इज कॉल्ड तवाफ, यानी खाना काबा के गिर्द अगर कोई भी जो हाजी है वो सेवन राउंड कंप्लीट करता है तो उसको तवाफ कहा जाता है, ठीक है।
कदूम यहाँ पे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यू पूछा जा चुका है पीपीएससी में। ठीक है, फर्स्ट तवाफ एट 8 ज़िलहज, यानी 8 ज़िलहज को जब पहला तवाफ किया जाता है तो उस तवाफ को तवाफ कदूम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जनाब 5 नंबर पे देखें, इस्तलाम आ जाता है, किसिंग ऑफ हजरा इस्वद इज कॉल्ड इस्तलाम। ठीक है, इस्तलाम यानी कि हजरा इस्वद को बोसा देना जो है वो इस्तलाम कहलाता है। उसके बाद ओरिजिनल कलर ऑफ हजरा इस्वद जो है, ये जब ओरिजिनली जब खाना काबा में इसको फिट किया गया था या जब ये आया था जन्नत से पत्थर ये लाया गया था तो इसका कलर बिल्कुल वाइट था। ठीक है, और उसके बाद करंटली कलर ऑफ हजरा इस्वद ब्लैक। अब क्या ये एक्सपेक्टेशन है और परसेप्शंस हैं, लोग कह रहे हैं कि अब ये लोगों के गुनाह जो है ना वो चूज चूज कर इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है, पहले बिल्कुल 100% इसका कलर जो है वो हजरा इस्वद का वाइट था दूध की तरह। ठीक है, तो 6 नंबर पे हमारे पास मकाम इब्राहिम आ जाता है, उसे 2 रकात नफल एट मकाम इब्राहिम, ये भी हमारा जनाब मनासिक के हज है। 6 नंबर पे जहाँ पे हमें 2 रकात नमाज नफल जो है ना वो अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर हम मूव करते हैं। सही, 7 नंबर पे हमारे पास मनासिक हज में सही आ जाता है, रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हिल 7 टाइम इज कॉल्ड सही। ये हजरत जो हाजरा है, जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा है, ये उनकी सुन्नत है। ठीक है, इसमें जो है ना वो उन्होंने सफा और मरवा के दरम्यान 7th चक्कर लगाए थे, तो हाजी जो भी जाता है तो उसको मनासिक हज में ये जो है ना वो जरूरी है कि वो 20 सफा और मरवा के दरम्यान चक्कर लगाए। ठीक है, उसके बाद मीना आ जाता है, मीना इज अ ग्राउंड वेयर हाजी टू डू सेक्रीफाइस टू स्टे इन मीना इज कॉल्ड योम तरूविया। ठीक है, यानी कि मीना वो ग्राउंड है जहाँ पे हाजी क्या करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, कुर्बानियां करते हैं। ठीक है, और इसमें क्याम करना जो है ना स्टे करना योम तरूवा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर पे वकूफ अरफा ट्रैवल जो है ना वो ये हमारे पास भी मनासिक हज है। ठीक है, टू ट्रैवल फ्रॉम मीना टू अरफात 9th ज़िलहज। ठीक है, मीना से जो है ना वो फिर लोग जो है ना वो मीना से कंकरियां जो है ना वो भी कलेक्ट की जाती हैं, ये भी आपने ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टू ट्रैवल फ्रॉम मीना टू अरफात, यानी कि मीना से फिर लोग जो है ना वो अरफात की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं, इज कॉल्ड वकूफुल अरफा। इस 9th ज़िलहज को जब वो मूव करते हैं तो इसको कहा जाता है वकूफुल अरफा। ठीक है, 10th नंबर पे हमारे पास होता है टू ट्रैवल फ्रॉम अरफा टू मुजदलफा एट 9 ज़िलहज, टू से नमाज मगरब एंड इशा इन कसर 10th ज़िलहज नाइट इज स्टे इन मुजदलफा। ठीक है, 10th ज़िलहज में जो है ना वो फिर क्या किया जाता है, ये रात मुजदलफा में गुजारी जाती है, मुजदलफा के बाद फिर लोग जो है ना वो मीना में जाते हैं और मीना में फिर क्या होता है सेक्रीफाइस जो है ना वो 10 ज़िलहज को की जाती है। ठीक है, तो ये जी आज हमारे मनासिक के हज हैं और हज के बारे में जो बेसिक हमारे पॉइंट हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, अगर कहीं पे कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी मैम, क्या ख्याल है, क्लास फिर एंड करें अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो? जी सर, एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।